रायपुर के धरना स्थल पर करीब 30-40 बसों में भरकर 23 जिलों से महिलाएं गुरुवार को ही रायपुर पहुंची हुई हैं। बहुत सी महिलाएं शुक्रवार को भी आईं। अब धरना स्थल पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। धरना स्थल पर तो महिलाएं धरने पर बैठे ही हैं। आसपास के चौराहों, रेस्टोरेंट, चाय की टपरी में भी महिलाओं का जमघट लगा हुआ है। यह सभी चाहती है कि इन्हें कलेक्टर दर पर मेहनताना दिया जाए। फिलहाल इन्हें लगभग 6,000 रुपये मिलते हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कलेक्टर दर पर मानदेय देने का वादा किया गया था। अब सभी महिलाएं चाहती हैं कि उसी वादे को निभाया जाए। और ये शासन को हम ये दिखा रहे हैं, 2 दिन के महापड़ाव जो इनकी जन घोषणा पत्र में हमको कलेक्टर दर की वादा किए थे, उनको बार बार यानी कि उनको याद दिला रहे हैं कि आपने वादा करके भूल गए हैं, तो वादा को बहुत जल्दी निभाओ हमको। और हमारी 2 दिन के महापड़ाव जो हमारी बहन चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री में बैठी हुई है, ये सब जनता को दिखाई दे रही है, रोड में चलते दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि इतने दुख और तकलीफ़ में, इतने दूर दूर से आए ग्रामीण अंचल से हमारी बहनें बैठी हुई है, कितनी तकलीफ़ में है, सिर्फ एक मांग के लिए कि हमारी शासी कर्मचारी घोषित किए तक कलेक्टर दर को करे, तो शासन हमारी मांग पूरी करे। अगर नहीं कही अभी 2 दिनों में हमारी मांग को पूरा, तो हम बहुत जल्दी 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर शासन उसमें भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करिए, तो बहुत जल्दी हम लोग अनिश्चितकालीन को अग्रसर हो रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ रायपुर जिलाध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.